हेलो। हाँ अजमत भाई, अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे भाई, फिर घुमा फिरा के मुझे क्यों फोन कर रहे हो? कौन अजमत भाई? अरे भाई, फिर से आपको मिल गया क्या? भाई, आपको नंबर नंबर देखना आता है कि नहीं? भाई असल में मैं उस नंबर पे कर रहा हूँ जिस नंबर से कॉल आई थी, मैं तो कॉल बैक कर रहा हूँ, मैंने कोई नंबर मिलाया नहीं। चलिए, हो सकता है रॉन्ग नंबर लगे हो भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अफू खान भाई बोल रहे हैं? जी, आप कौन? हेलो भाई, ठीक से बोलिए। हेलो, जी भाई, जावरा से बोल रहा था मैं। जाबड़ा से? जावरा से फुरकान बोल रहा था भाई। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, मुनाजरे वगैरह देखे हैं आपके, और नदीम भाई जो बुरहानपुर वाले हैं ना भाई, वो भी भाई जानते हैं मेरे को। भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। आपका नंबर मैंने हक बात जो ग्रुप है ना, हक बात सबके साथ, उसके अंदर से लिया भाई। मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था और आजिम भाई का नंबर भी मेरे पास था, पर वो लग नहीं रहा है भाई। तो भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। एक भाई हैंगे बरेलवी, वो जावरा के अंदर रहते हैंगे, और उन्होंने मतलब ना अपने भाई, ये छाबड़ा है भाई, जावरा ही रतलाम के पास में है? रतलाम शहर है ना, रतलाम एमपी। अच्छा, रतलाम एमपी, मध्य प्रदेश। जी मध्य प्रदेश, उससे 30 किलोमीटर दूरी पे जावरा है, हुसैन टेकरी जहाँ बनी हुई ना, नाम उसका मेरे भाई थोड़ा अच्छा रखो, ये झाबड़ा उबड़ा आदमी साला सुन के डर जाए। नहीं, जावरा नाम है, जावरा हुसैन टेकरी के नाम से भाई, बहुत मशहूर शहर है हिंदुस्तान की, करबला उस शहर के अंदर है। अच्छा, माशाल्लाह, बताइए भाई। भाई वो हुसैन टेकरी का नाम तो आपने सुना ही होगा यूट्यूब के ऊपर, शेख तौसीफुर रहमान की वीडियो है ना, शान हुसैन जी, उसके अंदर उन्होंने वो बात करी है हुसैन टेकरी के ताल्लुक से। अच्छा अच्छा तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक भाई हैं, वो मेरे को काफी टाइम से एफबी पे मैसेज कर रहे हैं। ओके, तुम ना बदकी ये मत करो, तुम ये मत करो, वो मत करो, तुम एल आई डी में कहाँ जाए हो, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह का रहम है, सबसे पहले एल आई डी जावरा के अंदर हमारा ही घर है माशाल्लाह। चाचू सऊदी थे तो वहां अल्लाह तला ने हिदायत दी, उसके बाद जावरा के अंदर सबसे पहले एल आई डी घर जो हुआ वो हमारा ही हुआ, अल्लाह शुक्र है। और अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, मस्जिद का भी चल रहा है भाई, बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा तो कायम हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो भाई मेरा ये पूछना था आपसे, तो उन भाई ने क्या है कि मैंने भी दूसरे पोस्ट डाल दी, कदम से कदम और कांधे से कांधा मिलाना सुनना थे। तो भाई उसके ऊपर उन्होंने कमेंट करी, तो हालांकि मैंने उनका जवाब पूछे नदीम भाई से, उन्हें जवाब भी दिया था, सही बुखारी की रिवायत है वो देखी थी। तो अभी उन्होंने सही बुखारी हदीस नंबर 725 अनस रज़ियल्लाहु ताला अनु बयान करते हैं कि हम में से हर एक शख्स अपने बाजू वाले के कांधे से कांधा और कदम से कदम को मिला के खड़ा हो जाता था। जी जी। तो भाई मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता था, उन्होंने कुरान की आयत डाली थी सूरह आले इमरान की, सूरह नंबर 141 142, उसके अंदर वो कहने लगे, उन्होंने एपी पोस्ट डाली की मैं पूरी वाहियत हदीस को चैलेंज करता हूँ कि जो मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का जो तर्जुमा लोग जो लोग पसंद करते हैं, उन्होंने तर्जुमे के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह को अभी मालूम नहीं है कि कौन जिहाद करने वाला है और कौन नहीं जिहाद करने वाला है। तो ये कह रहे हैं इन लोगों का अकीदा देखो, अल्लाह को मालूम नहीं है इन लोगों के मुताबिक। तो उस बात का मुझे उनको जवाब देना था भाई। कौन सी आयत बताई आपने? सूरह सूरह आले इमरान, सूरह नंबर 140। सूरह आले इमरान, एक मिनट चाहिए, आयत नंबर 140 जी और 41 जी और हाँ, सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 141 में ये आता है कि और इसलिए कि अल्लाह जी मुसलमानों का निखार कर दे और काफिरों को मिटा दे, और आयत नंबर 142 में आता है क्या इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ना लिया और ना सब्र वालों की आजमाइश की। आयत नंबर 143 में है कि और तुम तो मौत की तमन्ना नहीं हाँ और तुम तो मौत की तमन्ना क्या करते थे उसके मिलने से पहले, तो अब वह तुम्हें नजर आई आंखों के सामने। और सूरह नंबर 3 आयत नंबर 144 में है कि और मोहम्मद तो एक रसूल हैं और उनसे पहले और रसूल हो चुके हैं, तो क्या अगर वो फौत हो जाएं या शहीद हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे?
जी तो भाई मैं पूछ रहा था सूरह 142 जो आया थे क्या तुम सूरह आराफ की है या सूरह आले इमरान की है, कंफर्म कर लीजिए। आले इमरान की भाई, आले इमरान की जो आपने आयत पढ़ी ना अभी, क्या तुम इस गुमान में हो कि जन्नत में चले जाओगे और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ना लिया और न सब्र वालों की आजमाइश की। जी जी तो भाई इसमें उन्होंने जो तर्जुमा डाला है, वो जूनागढ़ी साहब की तरफ कहा है कि ये इन्होंने तर्जुमा करा है। वो तर्जुमा ये है कि उस तर्जुमे में मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ भाई इसकी पे। अरे बोलिए ना, पढ़ के बताइए ना क्या तर्जुमा किया है। हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये मालूम नहीं किया कि तुम में से कौन जिहाद करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। तो कह रहा है कि अल्लाह ताला को ये मालूम नहीं है क्या, माजअल्लाह, कि कौन जिहाद करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। अरे भाई वो पागल है, उसको मेरे भाई समझ में नहीं आ रहा। देखिए तर्जुमा जो होता है ना जी, जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें लोग मेरे भाई जो वर्ड ऑफ चूज होता है उसको करते हैं जी। और एक मैंने तर्जुमा देखा तो उसके अंदर ये है कि हालांकि अल्लाह ताला ने अभी जाहिर नहीं किया कि तुम में कौन जिहाद करने वाला और कौन सब्र करने वाला, मतलब दुनिया वालों के सामने जाहिर नहीं किया। अल्लाह ताला को सब मालूम है और बेवकूफ ने माना गलत लिया। मेरे को उस बात के उसको जवाब देना था कि क्या वाकई में ये तर्जुमा ऐसा है या नहीं है। अगर इस तरीके से चॉइस ऑफ मेरे भाई जो अल्फाज होता है, ठीक है, वर्ल्ड होता है, अगर उसको पकड़ के अगर कोई तर्जुमे पे फतवा लगाता है ना, तो आला हजरत का जो मेरे भाई जो कंजुल ईमान है और अशरफ अली थानवी साहब का जो मेरे भाई तर्जुमा है, उसमें एक नहीं सैकड़ों गलतियां मेरे भाई निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कोई मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, वो तो एक मेरे भाई की मालूम का माना क्या है, इसका माना ये नहीं है कि अल्लाह को मालूम नहीं है। हाँ, यहाँ हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें मालूम नहीं है। हाँ। और एक कुरान में जो मायना लिया कि जाहिर नहीं किया, तो जाहिर की बात है ना कि सामने वाले के सामने बात जाहिर नहीं करी हमने कि कौन याद करने वाला और कौन सब्र करने वाला है। वही बता रहे हैं। अब वो भाई मेरा यही कहना मतलब था कि इस बंदे ने जो मायना लिया वो गलत ले लिया। हालांकि उसने ना माशाल्लाह एक ऐसी पोस्ट डाली, मैंने देखी थी रात में सूरह बकरा की कोई आयत डाली उसने, और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कुरान के अंदर के इल्म वालों से इल्म हासिल करो। तो वहाँ उन्होंने चारों मसले ली थी, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिकी, शाफई, हम्बली के, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना तकलीफ साबित कर दी कुरान से। अरे भाई ये सब मुकल्लिदों का काम है, कहीं का सर कहीं की टांग जोड़ कर साबित करना, भाई ताबील करना इनका उसूल है। उसूल अल करकी सफा नंबर 7 पे उतरा हुआ है कि अगर कुरान की आयत हमारे मसलक के आड़े आ जाए तो उसमें ताबील करो, ताबील करके किसी तरीके से खींच तान के उसको मसलक के काबिल बना लो, अगर बन जाती तो ठीक है, वरना उस आयत को मनसूख समझो माजल्ला। तो ये लोग क्या करते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59 में, ठीक है, ये आता है कि ए ईमान वालों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और जो तुम में उलिल अम्र है उनकी बात को मानो। तो वो कहते हैं देखो तफसीर इब्ने अब्बास में ये आया है कि जो भाई ये जो ये हैं उलिल अम्र, इनसे मुराद जो उम्मत के फुका हैं वो हैं, यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह, उनकी बात को भी मानो, ये कुरान से साबित है। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, तो लेकिन आगे आयत क्या कहती है कि अगर इनको आपस में खिलाफ हो जाए तो वापस जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास लौटाओ, लौटा दो अगर तुम आखिरत पे यकीन करते हो, अगर आखिरत के दिन पे ईमान है तो। बस वही बात है भाई, ये लौट कर नहीं आते हैं, ये वहीं पकड़े हुए हैं, वहीं आ रहे हैं। आपने भी क्या किया कि अगर आखिरत के दिन पे चाहो यकीन हो, और हमने बोला आखिरत के दिन पे ईमान हो तो, अब ये क्या हो गया, ये मतलब जो होता है ना अल्फाजों का एक होता है, एक जबान का मामला होता है। जैसे आपने मेरे को, मैंने आपका मुनाजरा का जो वीडियो देखा था उसके अंदर आपने बताया था कि मैं जिस जगह रहता हूँ उसके वजह से थोड़ा उर्दू का मामला अलग होता है, कोई पाकिस्तान रहता है वहाँ उर्दू का मामला थोड़ा अलग होता है, इंसान की लैंग्वेज का। अरे भाई मेरी तो, मेरे भाई जो उर्दू है हिंदी है वो दोनों मिक्स है, मैं कभी कभार हिंदी की जगह उर्दू बोल देता हूँ, उर्दू की जगह हिंदी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरे भाई इलाहाबाद के जिस एरिया में रहते हैं वहाँ की बोली ऐसी खड़ी। जी बिल्कुल, तो आदमी को जो जबान आती है उसके हिसाब से मानना बताएगा ना। जी बिल्कुल। अब कोई इसको कह दे कि अगर तुम्हें आखिरत के ऊपर भरोसा है तो, यकीन है तो, ईमान है तो इसमें क्या हो गया, विश्वास है तो। जी तो ये सब इसका मानना ये नहीं है, इंग्लिश में है कि भाई फेथ है कि नहीं, ठीक है जी। तो इसका मानना ये नहीं कि ये देखो तर्जुमे में तो मतलब माशाल्लाह गलती कर दी, नहीं। तो यही सब मेरे भाई बचकानी हरकतें इन लोगों की, इनको मुंह ना लगाया कीजिए। जी जी। और जो बस मैं तो इतने ही कहूंगा कि जो ज्यादा भाई उछल कूद कर रहा है उससे हमारी बात करवा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
जी इंशाल्लाह बिल्कुल भाई, उन्होंने मेरे को मैसेज डाला जाल जाल और टान डाल और दंड भाई। मैंने ना मैंने मेरे जो भाई लोग हैं जिनके साथ मैं बैठता हूँ उनसे मैंने ये कहा कि इनको इनके जीजा जी से बात कराना पड़ेगी। और मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था भाई, आजम भाई को फोन लगा रहा था तो मेरे को ना वो नंबर बार बार काले बता रहा था। और मैंने नसीम भाई से भी पूछा था कि मैंने भाई इनका नंबर लग नहीं रहा है, तो कहने के भाई पता नहीं हो सकता कहीं बंद होगा इस वजह से। नंबर यही तो मेरे नंबर में खासियत है 24 आवर अलहमदुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे इतने भाई हैं और उन भाइयों के इतने बयाने हैं, इतनी परेशानी है कि वो बेचारे कब फोन कर दें, तो कभी मैं अपना फोन ऑफ ही नहीं करता हूँ। जी बिल्कुल भाई, इस वजह से भाई है ना, वो सही बात तो क्या, मेरे पास नंबर कंफर्म नहीं था, वो मेरे पास जो नंबर था वो दूसरा था। अभी मैंने ये हक बात सबके साथ जो ग्रुप है ना उसके अंदर मैसेज भी डाला मैंने। हमको लग रहा है भाई अपना हेल्पलाइन नंबर चालू करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं, वेट कर रहा हूँ, ये नंबर आ गया मेरे पास इंशाल्लाह। वो क्योंकि वो भाई मुझे मतलब आपके पास आ गया है, बाकी लोग बेचारे भाई लोग जो हमारे नंबर के लिए परेशान रहते हैं, लग रहा है कि हेल्पलाइन नंबर चालू करते हैं। जी जिसको ढूंढना होगा ना वो खुद ढूंढता रहेगा नंबर। अब मुझे शेख तौसीफुर रहमान से बात करना थी, मैंने उनका नंबर निकाल लिया, बहुत ढूंढा जाके मिला भाई। अच्छा चलिए, अच्छा ठीक है मेरे भाई, नमाज का टाइम हो रहा है, बाद में बात। हाँ ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।